हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है भारत चाहर। मेरा नाम है विवेक चाहर और आप देख रहे हैं चाहर रिएक्शन किंग चैनल। आज हम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो तो उनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन ये एक वीडियो एक सोशल तरीके से भी है और मतलब एक हेल्पिंग तरीके से भी है। मतलब वो कुछ चीज़ ट्रेंडिंग में लेके आना चाहती हैं, वो है अनबैन पबजी। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो उनका मतलब कोर्ट के लिए कुछ सजेशन था कि वो उसको अनबैन करें। तो उनकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद में अपना ओपिनियन रखते हैं। तो वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, यार मुझे ना थोड़ा बुखार है, ठीक है, मेरा सर दर्द भी है, थोड़ी चेस्ट पेन भी है काफ़ी दिनों से, तो एक्सक्यूज़ माय ओवरऑल एंड माय वॉइस। खैर, अस्सलाम वालेकुम, जिन लोगों को नहीं पता मेरा नाम साधु रहमान है, यूट्यूब पे टक्की भाई के नाम से हम यूट्यूबर और चवलियाँ मारते हैं इंटरनेट पे, और कुछ नहीं है। तो सीन ये हुआ है कि पबजी मोबाइल इज़ बैंड। जिन लोगों को नहीं पता, पबजी एक ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है जिसको या तो आप अकेले खेल सकते हो, या तो आप अपने दोस्तों के साथ डुओज या स्क्वाड्स खेल सकते हो, या अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने ऑनलाइन प्लेयर्स हैं आप उनके साथ रैंडमली कनेक्ट करके खेल सकते हो। तो सीन ये हुआ है कि पीटीए, विच इज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने कर दी है पबजी बैन। और रीजन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, केसेस ऑफ सुसाइड एट्रिब्यूटेड टू पबजी गेम हैव बीन रिपोर्टेड। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट हैज आल्सो डायरेक्टेड पीटीए टू लुक इनटू द इशू एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द कंप्लेंट्स इन दिस रिगार्ड। अ हियरिंग इज बीइंग कंडक्टेड ऑन 9th ऑफ जुलाई 2020। के सुसाइड के कुछ केसेस कोर्ट में दर्ज हुए हैं जिनका पबजी से ताल्लुक है। मतलब बंदा इनसे पूछे कि हजारों लाखों में स्टूडेंट्स हर साल अनएम्प्लॉयमेंट, स्टडीज का प्रेशर, स्टडीज का ओवरबर्डन, इन वजहों से इतने सुसाइड होते हैं, इंस्टीट्यूट तो बैन नहीं किया यार आप लोगों ने? क्योंकि लॉजिक तो आपकी यही है, जिसने सुसाइड कर लिया वो पबजी प्लेयर था, उसके फोन में पबजी इंस्टॉल थी, तो ब्लेम लगा दो पबजी पे, ब्लेम लगा दो गेमिंग पे कि उसकी वजह से जो है उसने सुसाइड किया। मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं कि उसके घर वाले उसको गेम से ज्यादा डिप्रेशन देते थे। मतलब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यूट्यूबर हूं, अल्लाह ना करे कल को मैं सुसाइड कर लेता हूं, ऑब्वियसली हेटर्स तो बड़े खुश होंगे, लेकिन कल को अल्लाह रहम करे मैं सुसाइड कर लेता हूं, तो क्या आप यूट्यूब को ब्लेम करोगे, यूट्यूब बैन कर दोगे? लॉजिक तो आपकी यही है, और अगर आपने यही लॉजिक लेके चलनी है तो उस हिसाब से स्कूल्स बंद करो, कॉलेज बंद करो, यूनिवर्सिटी बंद करो, अनएम्प्लॉयमेंट बैन करो, जॉब रिजेक्शन बैन करो, क्योंकि इनकी वजह से सुसाइड ज्यादा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये पीटीए शीट जो भी है, आपके इदारे में जितने लोग बैठे हैं उनको गेमिंग की जीरो नॉलेज है, पिछली मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूं, वो बंदा जीरो सेंस बना रहा होता है। नंबर टू, अगर किसी के अम्मी अबू आके आपको कहते हैं ना कि यार हमारा बच्चा गेमों में लग गया है, तो उसकी गेम पूरे मुल्क के लिए बैन करवाने का क्या तुक बनता है यार? उनके जमाने में गुल्ली डंडा हुआ करती थी, उनको क्या पता कि भाई वो गेम क्या है? ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, और आप लोगों को भी करनी चाहिए, जो नहीं करता यू सक, लेकिन भाई उनको नहीं पता गेम के बारे में। और सिर्फ गेम नहीं, आजकल के दिनों में जितनी भी चीजें इन्वेंट हुई हैं उसका उनके बच्चों को ज्यादा पता है यार। अभी भी आजकल दादियां टॉपिक लेके बैठ जाती हैं, हमारे जमाने में लोग खत लिखा करते थे, आजकल के बच्चे तो फोन पे लग गए हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। मतलब यार अब आज के जमाने में बंदा खत लिख के बैठ जाए, जितनी देर में तुम्हारा आई लव यू पहुंचना है उतनी देर में वैसे ही तीन लोंडे यस करा के बैठी होगी, लेकिन नहीं, व्हाट्सएप और क्विक मैसेजेस या कॉल को वो खत से कंपेयर कर रहे होते हैं, व्हिच इज फाइन, ठीक है, वो उनका अपना जमाना है, वो उनके अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन यार आप अपने इदारे में तो वो बंदा रखो ना जिसको इन चीजों की नॉलेज है। कोई गेमर रखो, कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर रखो, कोई गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर रखो, कोई गेमिंग यूट्यूबर रखो जिसको इस चीज की नॉलेज है यार, जिसको पता है कि भाई हो क्या रहा है, जिसने गेम जब से डेवलप हुई है, जब से पब्लिश हुई है, तब से लेके आज तक वो खेल रहा है, उससे पहले वो कोई 100 गेमें खेलता है, मतलब उसको प्रॉपर एक गेमिंग की नॉलेज है, वो एक प्रो गेमर है, ना कि कोई ऐसा बंदा जो वो पबजी मोबाइल के ना ग्राफिक्स ऐसे हैं कि हमारे ना बच्चे उसमें मयाल होते हैं। मतलब शट अप यार, जिन लोगों को नहीं पता पबजी और इवन बाकी वीडियो गेम्स भी कंपेटिटिव प्लेयर्स, यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स की फुल टाइम जॉब है, जिससे वो अर्निंग करते हैं, अपना घर संभालते हैं। अरसलान ऐश, सुमेल पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर्नामेंट खेले हैं। अरसलान ऐश जापान जैसी डेवलप्ड ग्रीन कंट्री पे पाकिस्तान का नाम फैला के आया, टेकन 7 फाइटिंग गेम के अंदर वर्ल्ड चैंपियन जीत के, वर्ल्ड चैंपियन, मतलब पूरी दुनिया से वो टूर्नामेंट है, जीता कौन? पाकिस्तानी। पहले पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से किसी चीज में टॉप आता है, और जब यंग लड़के जापान जैसी कंट्री में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनकी गेमें बैन कर दो भाई, सुसाइड रेट बढ़ गया यार। स्पीकिंग ऑफ सुसाइड यार, आप अपना बच्चा संभालो, आप क्या उसे फोन नहीं ले सकते? आप क्या उसके फोन पे पासवर्ड नहीं लगा सकते या गेम नहीं अनइंस्टॉल कर सकते? मेरे घर मेरा ही 11 साल का सगा भाई हाफिज कुरान है, रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, उसको पता है किस चीज को कितना टाइम देना है, पबजी मोबाइल खेल रहा होगा, एक बार कह दो कि बस कर दो और फोन रख के बैठ जाएगा, दूसरा सवाल ही नहीं करेगा। और वो मेरे ही घर रहता है, उस घर में जहाँ पे मैं 24 घंटे गेमें खेल रहा हूँ, यूट्यूब पे चवले मार रहा हूँ, फुल ऑन मल्टीमीडिया, आए हाय साडा पुत्र पबजी तो लग गया, इन मुल्क चो कड्डो। बंदा पूछे कि यार आप घर से निकाल लो, आप अनइंस्टॉल कर दो, आप फोन ले लो, उससे कोई और एक्टिविटी दे दो, उसको गिटार ले दो, साइकिल ले दो, ना कि हाई कोर्ट पहुंच जाओ कि भाई बच्चा साडा खराब कर देता है। लेट्स टॉक अबाउट टिकटॉक फॉर अ सेकंड। अब जब से पबजी बैन हुआ है तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक के बैन टिकटॉक भी होना चाहिए, बैन टिकटॉक भी होना चाहिए। आई फील लाइक कि बैन नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह मैंने बोला कि यार पबजी में और इस तरह की वीडियो गेम्स में यंग लड़कों का करियर है,
बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है यार, ये लॉलीवुड हॉलीवुड बच्चे हैं गेमिंग इंडस्ट्री के सामने, कभी गूगल करो यार। तो इसी तरह टिकटॉक पे भी ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी प्रमोशन करके पैसे कमा लेते हैं, अपने लिए पॉकेट मनी आ गई, घर पैसे दे दिए, यानी कि वो भी अर्निंग कर रहे हैं। तो जो मेरा ओपिनियन था कि यार यहाँ पे पबजी में लोगों का करियर है, तो वो टिकटॉक पे भी अप्लाई होना चाहिए। वो अलग बात है कि पबजी की वजह से लोगों को हरीम शाह जैसा कॉन्टेंट नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ टिकटॉक पे ही मिलेगा। लेकिन टिकटॉक पे कुछ ऐसे हैं जो मतलब नेक्स्ट लेवल चवले नहीं मारते, अगर वो लिपसिंग भी करते हैं ना तो करने दो, ठीक है। वो दो टाइप की ऑडियंस है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोगों को पसंद है। जिनको नहीं पसंद वो अपना ओपिनियन देते हैं, ट्विटर पे शुगर लगा लेते हैं, मीम्स बना लेते हैं, रोज बना लेते हैं, वो उन पे है। जिसको पसंद है वो देखते हैं, जो वो देखते हैं तो उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फॉलोअर्स से वो छोटी मोटी प्रमोशन कर देते हैं, वहाँ से उसको अर्निंग आती है और वो अपना घर संभालते हैं। तो आप उस पर प्लेटफॉर्म बैन की जगह लोग बैन कर लो। वन ऑफ द एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा, एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, वो एक लड़की बुर्का पहन के कायद आजम के पता नहीं वो जो है उनका टोम वहाँ पे मुजरे करने लगी हुई है, और वो वीडियो टिकटॉक ने नहीं हटाई क्योंकि टिकटॉक की गाइडलाइंस के हिसाब से वो वीडियो सही है। टिकटॉक की गाइडलाइंस पे तो नहीं ना लिखा कि आप कायद आजम के मजार पे जाके नहीं इस तरह की हरकतें कर सकते, लेकिन वो कंट्री के अगेंस्ट तो था। उस वीडियो की वजह से एक कंट्री की डिसरिस्पेक्ट तो शो हो रही थी, उस वीडियो को नहीं हटाया गया, ना कोई एक्शन लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके बारे में। तो इन केस ऑफ वीडियो गेम, घर वाले अपने बच्चे को संभालें, उनको टाइम दें, उनको कह दें कि यार ये आपने सिर्फ घंटा दिन का खेलना है, बाकी आपने फलां चीज को टाइम देना है, उनका टाइम टेबल बनवा दो। आप उसको टाइम दोगे तो वो फोन छोड़ेगा ना। और इन केस ऑफ टिकटॉक जो मतलब इस तरह के मजार पे जाके जो मुजरे कर रहे हैं, या मतलब हरीम शाह टाइप कॉन्टेंट, या मतलब उस तरह का कॉन्टेंट जो हर कोई डिसलाइक कर रहा है, कॉमेंट में हर बंदा उसको गालियां दे रहा है, एक भी सपोर्टर नहीं है उसका, आपको आइडिया हो जाता है यार। आप किसी का कॉमेंट सेक्शन खोल के देखो, आपको हर बंदा वहां पर गालियां देता हुआ नजर आएगा, आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा चवल है। आप उसको बैन कर दो, ना कि प्लेटफॉर्म बैन करो। तो यार ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और ये गेमें शेमें बैन करने से यार आपका मुल्क डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। आपका मुल्क ऐसा नहीं दिखेगा, ना ही यार यहाँ पे स्पेसशिप आ जाएगी, ना ही यहाँ पे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, ना ही यहाँ का पेट्रोल सस्ता होगा, ना ही यहाँ पे लोगों को जॉब मिलनी शुरू होगी। सिर्फ ये पीटीए शीटीए की स्टूपिडिटी साबित होगी और कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, आपने यूथ का दिल दुखाया गेमें बैन करके। इतू सा मुल्क है यार हमारा, इतू सा। आप इसको वर्ल्ड मैप पे अगर कंपेयर करो ना, तो आपको इतने बड़े बड़े चाइना और ये इंडिया और ये यूरोप नजर आएगा, बीच में हमारा इतना सा पाकिस्तान है, उसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन है। और वो आवाम जब फुल फ्रस्ट्रेटेड स्कूल कॉलेजेस से यूजलेस अनऑर्गेनाइज्ड लेक्चर सुन के आती है, तो ये पबजी और ये गेमें शेमें उनकी छोटी छोटी खुशियों में से एक है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर करती है, और आपने वो खुशी उनसे छीन ली है। इन्हीं नौजवानों ने कल को आपको वोट देना है यार। आपकी मैं अगले इलेक्शन में प्रमोशन कर दूंगा यार, यहाँ पे एक दो दिन में 1,000,000 बंदा देख लेता है यूट्यूब पे, आपको इधर न्यूज चैनल पे या इधर जियो शियो पे आपको अपनी मशहूरियां चलाने की जरूरत नहीं है यार। आप मेरे पास आ जाओ, मैं मुफ्त में प्रमोशन कर दूंगा यार। लेकिन इस मामले को प्यार मोहब्बत से यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने तुम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि यार #unbanpubg को ट्रेंड पे लाओ, और तुम लोगों ने एक ही घंटे के अंदर उसे ट्रेंडिंग 1 पे कर दी है। और मैं इधर भी यही बोलूंगा, यूज द हैशटैग पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में आ गया, टैग इमरान खान साहब जानी एंड टैग पीटीए। बड़े रिस्पेक्टफुली, कोई गालियां शालियां कोई देने की जरूरत नहीं है, बड़े रिस्पेक्टफुली उनको रीजन बताओ, बताओ कि आपका डिसीजन कितना स्टूपिड है, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही यार। लिटरली इस वक्त ऊपर से कोई फरिश्ता भी आके मुझे कह देगा ना कि यार ये पीटीए वाले ना सेंस मेक कर रहे हैं, मैं तब भी ना मानूं, इतनी नॉनसेंस रीजन है इनकी। इन शॉर्ट, अपने इदारे में वो लोग बिठाओ जिनको गेम की नॉलेज है। टेक्नोलॉजी को हर चीज में ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को कहो कि अपना बच्चा संभाले, गेम से आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट स्टडीज के बर्डन उनसे ज्यादा सुसाइड होता है। अगर कुछ बैन करना है तो इनको बैन करो, ना कि गेमों को, सिंपल, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक अगर पहले से नहीं किया हुआ, मैंने नीचे इंस्टाग्राम दिया होगा, उधर मैं अपडेट्स देता रहूंगा इस बारे में, लाजमी फॉलो मार लेना। यूज द हैशटैग #unbanpubg इन द कमेंट्स, दुआ में याद रखना, बाय। वीडियो काफी बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से जो सोशल इश्यू उठाया गया है अनबैन पबजी का, वो उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो पबजी से पाकिस्तान में क्या इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की हानि हो रही है, क्योंकि उसे स्ट्रीमिंग के द्वारा डायरेक्टली यूट्यूब पे भी स्ट्रीम चल रही हैं, और या फिर कुछ बैटल भी चल रहे हैं, तो और या फिर कुछ फेसबुक पे भी डायरेक्टली लाइव आती हैं, तो उसके द्वारा उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है उन लोगों की। तो उन लोगों के लिए बहुत बेकार जो निर्णय दिया है पाकिस्तान सरकार ने, बहुत बेकार है ये। साथ में जो अभी जो डगी भाई बोल रहे थे कि मतलब आप डायरेक्टली किसी एक टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकती, जिस बंदे ने किया उस बंदे को ब्लेम कर सकती हो आप, कि उससे मना कर दो, आप अपने बच्चे से मना करो कि वो मोबाइल छोड़ दे। और उसी तरह जैसे टिकटॉक हो, फिलहाल पाकिस्तान के तो मुझे नहीं पता कि बैन होगा या नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बैन किया गया, उसका रीज़न कुछ अलग था। मेरा भी जो कहने का मतलब है, मेरा भी यही है कि जो एक बात और कही थी कि आपको जो ट्रेंडिंग में लेके आना है अनबैन पबजी करके, भाई ने सही कहा कि कोई भी गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से जो ट्रेंडिंग में लेके आना है अनबैन पबजी को, वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको डगी भाई की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जो ट्रेंडिंग में वो चाहते हैं आपको लेके आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना,
साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।